बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 1 है। और जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.4। इस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर 25 और 24 और 23 नहीं देखे तो काइंडली वो देख लें, ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हमने लिखा क्या सोल्यूशन हमारे पास है, 4a + x इसका स्क्वायर रूट था माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अब आपने बोथ साइड पर क्या करना है, स्क्वायर लेना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्क्वायर लिया 4a + x माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स इसका स्क्वायर। ये जाहिर है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये आपके पास है ए और ये आपके पास क्या है बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर दैट इज 4a + x इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बी है, दरम्यान में प्लस आना याद रखें, ए माइनस एक्स इसका स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। द वैल्यू ऑफ ए इज, यानी फर्स्ट टर्म इज 4a + x एंड द सेकेंड टर्म इज अंडर रूट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपका ये बात से गया था। ओके, अब मैं ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहा हूँ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास बनेगा 4a + x प्लस ए माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज। इन दोनों को, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। मेरे पास आएगा 4a को ए से मल्टीप्लाई करूंगा 4a² 4a को माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस 4ax एक्स को ए से करूंगा तो प्लस ax एक्स को माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस x² इज इक्वल टू ए। ओके, अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल्ड, 4a + a कितना बनेगा 5a माइनस टू इंटू 4a² बस ये एक ही है 4a², ये दो है 4ax + ax तो प्लस माइनस 3ax माइनस x² इज इक्वल टू a। अब इधर देखें 5a है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 5a, बल्कि ये नेगेटिव वाला उधर ले आए, ये इधर ले आए, तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगले आगे लिख देता हूँ मैं। हमारे पास आएगा क्या, ये इधर प्लस ए है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए, तो मैं लिखूंगा 5a - a इज इक्वल टू 2, ये नेगेटिव था उधर जाकर क्या हो गया पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा 2 * अंडर रूट 4a² माइनस 3ax और माइनस x² 4a इज इक्वल टू 2 4a² माइनस 3ax माइनस x². अब यहाँ एक कैंसिलेशन होती है, ज़रा कर लें थोड़ा आसानी हो जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, जब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 2 2s are 4। ठीक, तो मेरे पास रह गया 2a इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस 3ax माइनस x². ओके, अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो हम अगेन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग अगेन, दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस 3ax माइनस x² इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा,
टू ए का स्क्वायर आएगा फोर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा दैट वुड बी फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है सॉल्व करने के लिए हम सबको क्या करते हैं, एक साइड पर शिफ्ट करते हैं, करें जरा, माइनस एक्स स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया एक्स स्क्वायर, मैं पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख रहा हूँ, इधर आया, उधर माइनस एक्स स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री ए एक्स था इधर आके क्या हो गया प्लस थ्री ए एक्स, फोर ए स्क्वायर था वो मैंने लिखा फोर ए स्क्वायर, उधर से इधर आएगा ये तो माइनस फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये तो हो गया कैंसिल आपके, ये फोर ए स्क्वायर उधर प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखें जरा, एक्स हमारे पास आएगा एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। अब याद रखें बच्चे इस एक्स को उधर जाकर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ये एक्स इज ऑल्सो अ फैक्टर, दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है जीरो के, तो दोनों को किसके इक्वल रखेंगे जीरो के, हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट लिख के एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक तो ये रूट आया है, फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन सा रूट एक्सट्रेनियस है या नहीं है, एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ए, एक ये है, इन दोनों को हमने बारी बारी कहाँ प्लेस करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में, हेडिंग देंगे हम चेक की, पहला पार्ट हम व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके एक्स हमने जीरो पुट किया, कहाँ पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, दैट इज फोर ए प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ फोर ए प्लस एक्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ओके एक्स हमने जीरो पुट करना है, तुम्हारे पास आएगा फोर ए प्लस जीरो ए माइनस जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ए, फोर ए फोर का, अच्छा जीरो ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, ओके ए का सॉल्व नहीं हो रहा वो ए ही आएगा, याद रखें यहां बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, फोर का स्क्वायर रूट टू, ए का सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या आएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ओके। अब यहां ना मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ये है नहीं वैसे, आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, यहां वन है, अब 2 माइनस वन कितना होता है 1, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे 2x माइनस x क्या बचता है x, तो ऐसे ही है 2 अंडर रूट a माइनस 1 अंडर रूट a, तो अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे ट्रू, ये तो पहला चेक था, अब हम दूसरा चेक कर रहे हैं, व्हेन a x इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस थ्री ए एक्सट्रेनियस होगा, कहाँ प्लेस करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, दैट इज फोर ए प्लस एक्स, ओरिजिनल क्वेश्चन में दोबारा से लिख रहा हूँ फोर ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ओके ए हम एक्स क्या प्लेस कर रहे हैं माइनस थ्री ए, फोर ए माइनस थ्री ए x की वैल्यू प्लेस हो गई माइनस a माइनस इंटू माइनस थ्री ए एक्स, ये माइनस तो पहले से था, x की वैल्यू माइनस थ्री है वो मैंने प्लेस की इज इक्वल टू अंडर रूट ए, फोर ए माइनस थ्री ए अंडर रूट ए, अच्छा मेरी बात सुने जरा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ए प्लस थ्री ए कितना बना फोर ए, ये हमारे पास था पहले, हमने कहीं सॉल्व किया था, ये देखें
फोर ए एक्चुअली किसके इक्वल होता है, टू अंडर रूट ए। ओके दोबारा से बता रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस ए प्लस थ्री ए फोर ए, और फोर ए को जब आप सॉल्व करेंगे तो टू अंडर रूट ए। अंडर रूट ए, ओके। अब अंडर रूट ए माइनस टू अंडर रूट ए क्या बच जाएगा, माइनस या वन है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस लिखते नहीं है वैसे। वन माइनस टू कितना बनता है, माइनस वन, तो हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट ए, वन नहीं लिखते, अंडर रूट ए। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं, अगर नहीं इक्वल तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू। और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर जिसको पुट करने से हमने पुट क्या किया था, माइनस थ्री ए, तो ये आपका क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट। तुम्हारा सॉल्यूशन सेट जीरो होगा, लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट दैट इज जीरो, और जो एक्सट्रेनियस रूट है आप एक ब्रैकेट में भी आगे एक्सट्रेनियस की जेडिंग दे के लिख सकते हैं, अलग से लिखने ज़्यादा अच्छी बात है। एक्सट्रेनियस रूट इज माइनस थ्री ए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर था एट। आगे नाइन टेन और अलेवन वो तीनों एक जैसे हैं, वो हो सकता है आपको, बेशक उसकी लेंथ लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसको एक ही लेक्चर में करा दें। वो आपका लेक्चर नंबर कौन सा होगा, 27। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो।